गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड हिंदी की बुक ओपन कर लीजिए। क्लास सेकंड हमने पढ़ा था सामान्य जानकारी, ठीक है, किस जगह को क्या कहते हैं ये पढ़ा था हमने फर्स्ट वीडियो में। और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अगर आप नहीं करा तो दोबारा देख लीजिए। वंदना, यहाँ बच्चे वंदना कर रहे हैं, वंदना मीन्स प्रार्थना कर रहे हैं, किससे, प्रभु से कर रहे हैं, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसी होता दुनिया में सब कुछ। सुबह सुबह जब उठते हैं, जब सुबह सुबह चिड़ियाँ उठती हैं तो सो गीत सुबह खुश के गाती हैं, मतलब इसे हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था आपने ये सब चीज़, ठीक है। यहाँ बच्चे वंदना कर रहे हैं, तो अगर आपने काम नहीं किया तो कर लीजिएगा, मैं फिर दोबारा वीडियो बना के सेंड कर रही हूँ उसे। सुबह उठकर खुशी के गीत कौन गाता है, चिड़िया, ठीक है। और आपकी इस कविता के रचयिता कौन है, राम नरेश त्रिपाठी, ठीक है। ये इसकी कविता की पंक्तियाँ जो पूरी करनी है आपको, और ये आपको खुद लिखना है कुछ, ठीक है। जैसे नियम लिखी, शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए, जैसे लहर लिखा है लहरों, ठीक है, मैदान लिखा है मैदानों, इस तरह ही लिखेंगे। और ये करेंगे, नियम लिखी शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, मतलब चिड़िया लिखिए तो आसमान में चिड़िया उड़ रही हैं, ऐसे लिख सकते। रात में बिजली बहुत तेज कड़की, इस तरह से शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है आपको, ठीक है। क्लास सेकंड देख लीजिए, ये क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, ये इसके आंसर लिखे हैं मैंने, ठीक है, देख के कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये लिखा हुआ है, दुनिया पर कौन मुस्कुराता है, घर से बाहर आकर कौन दौड़ लगाता है, हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है, ठंडी ठंडी हवा क्या लेकर आती है। दुनिया पर कलियां दरवाजे खोल खोल कर मुस्कुराती हैं, खुशबू की लहरें घर से बाहर आकर दौड़ लगाती हैं, मैदान में वन बागों में हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती लेकर आती है। फर्स्ट का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ का ये है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आंसर होंगे इस तरह से इसके, ठीक है। जिसने काम नहीं किया वो दोबारा कर लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।